हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें आईपीओ की और देखेंगे सभी आईपीओ के अंदर क्या गिरे मार्केट। पीएम चल रहा है, आज है 3 अगस्त और आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो एक नया आईपीओ आज से स्टार्ट हो रहा है, नाम है एसबीएफसी फाइनेंस। ज़बरदस्त इसका गिरे मार्केट पीएम चल रहा है और ज़बरदस्त इसके अंदर हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ साथ में देखेंगे कनकोट बायोटेक आईपीओ, ये भी कल से स्टार्ट हो रहा है और आज के डेट में इसके अंदर क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और साथ साथ में बात कर देंगे यथर्थ हॉस्पिटल के गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में। सारी बातें सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ा ही दबाओ ताकि नई नई वीडियोस, नई नई नॉलेज में टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। चलो देख लेते हैं आज यानी 3 अगस्त का इन तीनों आईपीओ के अंदर, मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर आज क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। बात करें एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के बारे में, देखा है तो ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज से स्टार्ट हो जाएगा और 7 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। मेन बोर्ड ये आईपीओ है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है और कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है 54 रुपीज़ से 57 रुपीज़ के बीच में अपना सब्सक्रिप्शन लेकर आए हुए। अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 57 रुपीज़, इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन लें जिसपे ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलने का। और इसके बारे में बात करते हैं लॉट साइज के बारे में, तो मिनिमम डिटेल के लिए जो एक लॉट के अंदर करीब करीब 260 शेयर्स रखा गया है। और कंपनी के टोटल इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो टोटल इशू साइज करीब करीब 1025 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसके अंदर कुछ फ्रेश इशू भी रखा गया है करीब करीब 600 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है करीब करीब 425 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी है। और एक खास कोटा और भी रखा गया है इम्प्लॉइज़ का, इम्प्लॉइज़ को 2 रुपया डिस्काउंट दिया गया है, यानी पर शेयर इंक्लूड इम्प्लॉइज अगर इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उनको 2 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। और बात करेंगे लिस्टिंग की, तो ये हमको बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। मेन बोर्ड ये आईपीओ है जो दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है। और बात करेंगे इसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में, यानी किसको कितना कोटा दिया गया है। क्यूआईबीज़ को देखा जाए तो करीब करीब 50% दिया गया है, एचएनआईज़ को 15% दिया गया है और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल को इसके अंदर 35% कोटा रखा गया है। चलो देख लेते हैं इस आईपीओ के और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेंगे। उससे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर। देख लेते हैं एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के लॉट साइज़ के बारे में, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है, इसके लॉट साइज़ का एक बार समझ लेते हैं। रिटेल अगर मिनिमम ले रहा है तो एक लॉट लेना पड़ेगा, कम से कम 260 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,820 रुपया अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। और साथ साथ में अगर मैक्सिमम अगर रिटेल ले रहा है तो 13 लॉट ले सकता है, जिसके अंदर 3,380 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,92,660 शेयर्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। और 13 लॉट से ज़्यादा लॉट ले रहे हैं, यानी 14 लॉट ले रहे हैं तो एचएनआईज़ की कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, मिनिमम 14 लॉट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर 3640 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,07,480 रुपया। और इसके अंदर भी दो कैटेगरीज देखने को मिलती है, मैक्सिमम जो 9-10 लाख के नीचे है तो 9,92,000 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर 67 लॉट मिलेंगे और 17,420 शेयर्स मिलेंगे। अगर 10 लाख से ऊपर अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो 68 लॉट लेना होगा, जिसके अंदर 17,680 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट पे करना पड़ेगा 10,07,760 शेयर्स पे करना पड़ेगा। और साथ में देख लिया जाए इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग क्या है। इसके अंदर आज की डेट में देखा जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है करीब करीब 78% तक की प्रमोटर की होल्डिंग है। जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तो इसके अंदर 64% प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी। चलो देख लेते हैं आज की डेट में आईपीओ के अंदर क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते। बात करें एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ के गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज की डेट में जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। आज है 3 अगस्त 2023, आज से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है और आज के डेट में देखा जाए तो 68% तक का इसके अंदर हमको गिरे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। जब से सब्सक्रिप्शन इसका आज से स्टार्ट होगा, लेकिन जब से गिरे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ है तब से इस आईपीओ के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज देखने को मिला कि ये आईपीओ मेन बोर्ड आई है आईपीओ है और इसके अंदर करीब करीब 70 से 80% तक गिरे मार्केट प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखा जाए तो आज के डेट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल देखते हैं अगर आज ये सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो जाएगा आज के दिन से, लेकिन अगर इसके अंदर 10 से 15% तक अगर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे आते हैं तो उम्मीद की जा रही है हमको इसके अंदर 70 से 80% तक का गिरे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल सकता है। जैसा भी रुझान रहा है डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी। बात करें कनकोट बायोटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में, ये आईपीओ भी देखा है तो कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, मेन बोर्ड ये आईपीओ और 8 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। और साथ साथ में बात करते हैं डिटेल में, तो इस आईपीओ का फेस वैल्यू 1 रुपया पर शेयर रखा गया है और आईपीओ प्राइस 725
705 से 741 के बीच में रखा गया। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे तो जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 741 रुपीज़, इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन ले जिसपे ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एक लॉट के अंदर करीब करीब 20 शेयर्स रखे गए हैं। अगर रिटेल ले रहे तो मिनिमम अगर एक लॉट कम से कम ले जिसके अंदर 20 शेयर्स मिलेंगे। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो 1551 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरा की पूरा कंपनी अपना ऑफर फॉर सेल लेकर आई हुई है 1551 करोड़ का। और इसके अंदर एक खास कोटा और रखा गया है इम्प्लॉयज़ का, यानी इम्प्लॉयज़ भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके अंदर करीब करीब 70 रुपया डिस्काउंट दिया गया है पर शेयर इम्प्लॉयज़ को। और बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की तो हमको BSE NSE दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ है जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। इसके अंदर QIBs का भी कोटा करीब करीब 50% रखा गया है, HNIs को 15% दिया गया है और रिटेल को करीब करीब 35% रिटेल का भी कोटा रखा गया है। चलो देख लेते हैं इस आईपीओ के अंदर आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड आईपीओ के डे बाय डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज है 3 अगस्त 2023 और आज इसके अंदर हमको 20% तक का गिरे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है। कल से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, मेन बोर्ड ये आईपीओ है और आज इसके अंदर हमको 20% तक की तेज़ी देखने को मिली। देखा जाए तो ये आईपीओ का जब गिरे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था करीब करीब 27-28% पे से गिरे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली और कल के दिन में मार्केट में जिस तरह गिरावट देखने को मिली है उसके बाद से सभी गिरे आईपीओ के गिरे मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली। लेकिन सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट डे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आता है तो उम्मीद की जा रही है इससे गिरे मार्केट प्रीमियम में भी हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखते हैं, जैसे भी रुझान है डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। बात करें यथार्थ हॉस्पिटल लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, देखा जाए तो ये आईपीओ आया 26 को आया था और 28 तारीख को क्लोज हो गया। कल के डेट में इसके अंदर हमको अलॉटमेंट देखने को मिला। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, चैनल पे विजिट करके अपना अलॉटमेंट दोबारा चेक कर सकते हैं कि अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला। और उसके बाद 3 अगस्त कल के डेट में रिफंड हो जाएगा, आज के डेट में रिफंड हो जाएगा। अगर रिफंड अगर नहीं होता है तो 1-2 दिन के बाद भी रिफंड हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप अपनी बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्राइडे को हमारे ये डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की, लिस्टिंग कैसे लिया जाए, लिस्टिंग गेन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल देख लेते हैं इस आईपीओ के अंदर आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ के डे बाय डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज की डेट में इसके अंदर क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। और आज इसके अंदर करीब करीब हमको 25% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। देखा जाए तो जब से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है और जब से गिरे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ है तो ये आईपीओ करीब करीब हमको ये कह सकते हैं करीब करीब 20-30% के बीच में ही चला, यानी ये कह सकते हैं 21% पर स्टार्ट हुआ और आज की डेट में भी ये करीब करीब हमको 25% तक की तेज़ी देखने को मिली। यानी कह सकते हैं जब से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है, ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ है, ये 20-30% के बीच में ही चल रहा है। उम्मीद की जा रही है इसका अब मंडे को लिस्टिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके अंदर लिस्टिंग देखने को मिलती है, मार्केट में तेज़ी रही अगर मंडी को, तो इसके अंदर भी हमको 30-40% तक की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल देखते हैं जैसे भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी लिस्टिंग है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ा ही दबा देना।